हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, आज सुबह की फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट तो फिर वैसे ही रेड स्ट्रीट में बदला पड़ा है। निफ्टी 174 पॉइंट और सेंसेक्स 634 पॉइंट नीचे है अभी, यानी शुरुआती होते ही जो मार्केट की रुझान है आप कह सकते हैं कि वो अच्छे नहीं है। खैर, देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करता है। लेकिन उस बीच कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो एम्स ने अभी क्या किया है कि उनका जो ट्रॉमा सेंटर था उसे COVID-19 हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं कि हम फ्यूचर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत लंबा चलने वाला है। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा है कि जो लॉकडाउन है 21 दिन का, वो आगे नहीं बढ़ेगा अभी तक। लेकिन ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। अभी तो हमारा जो स्टेजेस हैं वो चेंज होने वाले, स्टेज 3 शुरू हो चुका है, उसमें किस तरह का स्प्रेड होता है ये उसके बाद ही मुझे लगता है कि डिसाइड होगा। तो अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। US गवर्नमेंट ने अभी इंडियन गवर्नमेंट को $2.9 मिलियन का ऐड दिया है, सो दैट कि जो COVID-19 की लड़ाई है वो गवर्नमेंट कर सके। यानी कि अभी बहुत अलग अलग कंट्री से चीज़ें आ रही हैं, तो इंडिया भी बहुत लोगों को मदद कर रहा है, बाहर से मदद आ रही, क्योंकि ये ग्लोबल लड़ाई है, ये किसी एक देश के लिए लड़ाई नहीं है। इसी में कोरोना वायरस में एक और चीज़ आ रहा है कि 15 ट्रिलियन का जो डेट है इंडियन मार्केट में, इंडियन रुपीज़ में, 15 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ में, वो पूरे रिस्क पे है। क्योंकि जो मार्केट के सेंटिमेंट वो अच्छे नहीं है, मार्केट डाउन है। तो ये मानना है एक्सपर्ट का कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि पेमेंट की प्रॉब्लम हो और ये जो रिस्क है ये रिस्क बढ़ जाए। और रिस्क बढ़ने का मतलब है NPA बढ़ना, सिंपल सी बात है। और NPA बढ़ने का मतलब है, आपको पता है कि हमारे हालत क्या है उस मामले पे। खैर, इसी बीच में देखा गया है कि जो एड बजट है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो भी OTT प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे स्ट्रीमिंग काफ़ी बढ़ी है और हम भी OTT पे अवेलेबल है, आप वहाँ में भी देख सकते हैं। वहाँ पे तो मुंबई में स्पेशली ये देखा गया है कि काफ़ी जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं उन पर काफ़ी अभी व्यूअरशिप बढ़ी हुई है। ई-कॉमर्स की जो एक्टिविटी है ऑलरेडी रिज्यूम हो चुका है, लेकिन अभी भी उनका कहना है कि डिलीवरी में क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि डिलीवरी के लिए अभी उनके पास एक तो लॉकडाउन है, लोगों की दिक्कत है, पलायन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो ये अलग चैलेंजेस हैं। पावर यूनिट को अभी 90 दिन का जो फ्रेट एंड कोल पेमेंट एडवांस होता है उसे 90 दिन के लिए डेफर कर दिया गया, यानी वहाँ पर भी आफियत दे दी गई है। इसी बीच US ग्रुप ने, कुछ लोगों ने, कुछ बिजनेस ग्रुप ने 20-20 ट्रिलियन का चाइना पे केस किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये मानना है कि ये जो त्रासदी है, ये जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड हुआ है, कहीं ना कहीं उनका ये बिलीव है कि ये एक बायोकेमिकल प्रोडक्ट था और ये मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होना था। अब उसको कैसे चाइना ने इसको यूज़ करके बाहर लेके आए, ये उनका मानना, हमारा मानना नहीं। लेकिन बहुत तरह की चीज़ें अभी आ रही जहाँ पे चाइना पे फिंगर पॉइंट उठ रहा है, लेकिन किसी के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। तो उनका ये मानना है कि जो इकोनॉमी में हमारे लॉस हुए हैं 20 ट्रिलियन के, इसकी भरपाई तो चाइना करेगी, और इसके लिए उन्होंने केस भी कर दिया। इधर चाइना की जो अपनी बैंकिंग है उन्होंने लगभग 63.57 ट्रिलियन चाइनीज रुपीज़ में अपने जो मैन्युफैक्चरर है, बिजनेस है, उनको लोन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका भी जो इकोनॉमी रिवाइवल है वो वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए, वो उसको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। लेकिन अगर चाइना में देखें तो मेजर सिटी जितनी भी संघाई और ये सब रहे उनको कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो भी प्रॉब्लम मेजर हुआ है वुहान के आसपास ही हुआ है। ये भी एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है कि चाइना से अमेरिका चला गया, चाइना से इंडिया आ गया, ईरान चला गया, सारी दुनिया में ये स्प्रेड कर गया, लेकिन चाइना में ही नहीं किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट तो है कि ये कुछ तो यहाँ पे है जो हिडन है, लेकिन वो देखते हैं, वो चीज़ें बाद में खुल के आती है। अभी देखा गया कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है US में वो $20 के नीचे आ चुका है, तो ये उसकी हालत ऐसे ही ख़राब है। और अगर क्रूड प्राइस का नीचे आता है तो उससे उनकी काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसी बीच हमारे जो लेजेंडरी हीरो हैं रतन टाटा जी, उन्होंने 500 करोड़ का डोनेशन गवर्नमेंट को दिया है कि हम ये COVID-19 कोरोना वायरस से लड़ सके, उसके लिए उन्होंने फंडिंग की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो RBI ने अभी 10 बैंकों को अप्रूव किया है कि वो मर्ज करके 1 अप्रैल से एक बैंक हो जाए, यानी कि बहुत तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी चल रहे हैं। तो अभी तो क्या होगा नहीं होगा वो तो मार्केट अभी डिसाइड करेगा। शाम को हम फिर से अपने वीडियो के साथ आएंगे, और शाम में हमारा एक और सीरीज़ आता है जो CA राकेश सिंगल जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट है उनके थ्रू आता है कि कल का मार्केट क्या होगा, कल के मार्केट में क्या करें। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ज़रूर आप उसको देखें और आप सीखें कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे उसमें आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ
हम सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो आप हमें कहीं भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को हम फिर से अपने बुलेटिन के साथ आएंगे। थैंक